और जो है पब्लिक के बीच में हुई है सर, रुक के देते हैं, पुलिस और पब्लिक के बीच में हुई है। अच्छा सर, ये कौन क्या जोड़ा है इस बीच में? अरे सर, अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है इसमें? सर, अब तक क्या एक्शन लिया गया सर? एक्शन हम लोग जो गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी है उसको हम लोग लगातार गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। कब तक, अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी हमारे पास जो है, हम लोग अभी जो है, जो कुछ हमारे नामजद व्यक्ति हैं, कुछ हमारे जो चिन्हांकन किया रहे हैं, दोनों सत्ताईस लोगों को नामजद किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें बीजेपी के और कोई केस नहीं है। मतलब बात यह है कि जो हमारे वीडियो कहते हैं, हमारे जो है साजिशों के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो बजरंगदल के कार्य करते हैं इसमें, हम लोग उसके आपके हमें देश की संघीय का संज्ञा नहीं है। जो हमारे दृष्टि में जो उपद्रवी है, जो कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है, शांति जो भंग कर रहा है, वो उसका है। पुलिस चौकी के जो कांस्टेबल हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ जो घेराव किया गया था, 500 से 600 की संख्या में जो थे वो बजरंगदल के कार्यकर्ता थे। हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ के कांस्टेबल बता रहे हैं, पुलिस चौकी के कांस्टेबल। अब उन्होंने किस गिरफ्तार कर लिया? अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी हम लोगों ने अभी नामजद व्यक्ति में 3 को गिरफ्तार किया है। उनमें से किसी का हिंदूवादी संगठन से कोई मतलब है? हम इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। हमारा वेरिफिकेशन यह है कि कौन सा व्यक्ति क्राइम में इन्वॉल्व है और कौन सा नहीं इन्वॉल्व है। जो मेरे क्राइम में इन्वॉल्व हो जेल जाएगा। सर, सुबोध कुमार सिंह हाजी अखलाक के मामले में भी जो है उसकी उस विषय की कोई जानकारी नहीं है।